भी नहीं है, आज वो यहाँ पे कॉम्पिटिशन में है। तो आर्टिकल की लाइफ कैसे होती है, काफी 3 साल का टाइम होता है, तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। आई होप सभी सीए यहाँ पे सभी रिलेट कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है सीए नहीं है वो भी रिलेट कर पाएगा। तो आर्टिकल की जिंदगी भी कमाल होती है, क्लाइंट की अंधेरी जिंदगी में मशाल होती है। आर्टिकल की जिंदगी भी कमाल होती है, क्लाइंट की अंधेरी जिंदगी में मशाल होती है। वैसे तो सारा श्रेय प्रिंसिपल को जाता है, वैसे तो सारा श्रेय प्रिंसिपल को जाता है, लेकिन भाई साहब एक आर्टिकल ही तो है जो सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर जाता है। तीन साल की वो मैंडेटरी ट्रेनिंग करता है, कभी GSTR तो कभी ITR पढ़ता है, इंटरनल स्टेट एंड टैक्स ऑडिट के उलझन में उलझ जाता है, तो कभी कभार कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस में भी उलझ जाता है, कभी कभी तो ये प्रिंसिपल की डांट भी खाता है, क्योंकि सोना भी तो आग से गुजर कर ही जाता है। सारी समस्याओं का हल ये निकाल लेता है, अपने आप को हर स्थिति के अनुरूप ये ढाल लेता है, क्योंकि भाई साहब वो आर्टिकल है जनाब, ये सब कुछ संभाल लेता है। तो कुछ इसी तरह जिंदगी है, तो जिंदगी को हंसो मुस्कुराओ अच्छे से जियो, और चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारो, चलो जमी पे ही हम कहीं सतह ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों की हम गिरह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं। कई बार एक दौर आता है कि यार सब मेरी क्या गलती है इसमें, यार मैं को थोड़ी बताता यार, ये जूनियर ने किया यार, उसकी गलती है। तो उस टाइम में क्या होता है कि ठीक है, सीनियर इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। अब क्या होता है कि मेरे दिमाग में है कि यार मैं इसकी नहीं बोल सकता, कंप्लेंट कर सकता, लेकिन फिर दिमाग में चीज़ आती है, तो उसके लिए भगवान क्या कहता है, भगवान कहता है कि सब्र रख। तो उसकी दो लाइन है, मैं सॉन्ग फॉर्म में गाना चाहूँगा कि अपन ने उसको गिल्ट फील नहीं करान देना है, अपन कुछ नहीं कर सकते, अपना बेस्ट करना है। तो उसके लिए कुछ लाइन्स है, सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है, तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। थैंक यू।